देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आगाज करता हूं अपने सफर का, आगाज करता हूं अपने सफर का अल्लाह के बाबरकत नाम से, जिसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया। ऐ अल्लाह, हमारे कामों में आने वाली रुकावटों को दूर फरमा, मंच पे तशरीफ फरमा, शेख रशीद साहब के से मोहब्बत करने वाले तमाम ही साथी, पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान, तमाम ही साबिक कारपोरेटर्स, तमाम ही इच्छुक उम्मीदवार, तमाम ही पार्टियों के मेरे नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं तमाम ही साथियों का, सरपरस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकालकर एक शॉर्ट नोटिस पर, एक शॉर्ट दावतनामे पर आप लोगों ने इस मीटिंग को कामयाब किया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और यहां पर हमारे साथियों ने जो मशवरा दिया, जो ताकीद की, जो सरपरस्ती की, ऐसे तमाम ही साथियों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे दोस्त साबिक कारपोरेटर फरीद कुरैशी साहब और उनके साथियों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि घर उन्होंने वापसी किया। शेख रशीद साहब का 4 तारीख को इंतकाल हुआ तो फरीद भाई जमात में थे, 10 दिन की जमात में वो चल रहे थे और ताज्जुद के वक्त तो उनको खबर आई। उन्होंने मुझसे कहा कि जब यहां मुलाकात के लिए आए तो बोले उसी वक्त तो मैंने तय कर लिया था कि मुझको घर वापसी करना है और आपका, आपके परिवार का साथ दोबारा देना है। मैं आपका और आपके तमाम ही साथियों का इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों और साथियों, यह फैसला कुन मीटिंग है और हम लोगों को यहां पर फैसला लेना है। आज मैं 20 साल से तकरीर कर रहा हूं, मुझको याद है कि जिस वक्त 2002 में शेख रशीद साहब ने मुझको म्युनिसिपल कारपोरेटर के इलेक्शन के अंदर इसी वार्ड से खड़ा किया था तो गणेश नगर निसार भाई बंगार वाले के कांटे के पीछे फारूक भाई के आपके घर के पास एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में जब ना मुझको बोलना आता था लेकिन उम्मीदवार बन चुका था तो शेख रशीद साहब बैठे थे और उन्होंने निजामत करने वाले साथी से कहा कि आसिफ का नाम बोल दे। मैं नहीं बोल रहा था कि नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन शेख रशीद साहब ने कहा कि नहीं तुझको बोलना है और मैं खड़ा हुआ और उस वक्त मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे और मैंने कहा कि आप मुझको वोट दो, मैं आपका काम करूंगा और बैठ गया। और वो तारीख है और आज मेरे हाथ और पैर कांप रहे हैं। आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं आपके सामने क्या बात रखूं,
क्योंकि आज जिस कुर्सी के ऊपर मैं बैठा था और बैठ के मैं सोच रहा था कि ये कुर्सी मैं बीच में बैठा सदारत कर रहा हूं इस मीटिंग की, लेकिन मुझे ये एहसास हो रहा था कि 4 तारीख से पहले ऐसी मीटिंगों के अंदर शेख रशीद साहब उस चेयर के ऊपर बैठा करते थे और मुझ पर या मेरे घर वालों पर या हमारे साथियों पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन एक धर्म था कि शेख रशीद साहब बैठे हैं वो सब निपट लेंगे। मैं सोच रहा था कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी की चेयर है जो ये मुझको निभाना है और आपको मेरा साथ देना है और ये शहर की आवाम को मेरा साथ देना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये छोटी सी बात नहीं है। पहले कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मैं एमएलए भी था तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मैं मेयर भी था तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन शेख रशीद साहब आज हमारे बीच में नहीं है, यही सच्चाई है। और उनके बिगड़ हम लोगों को ये शहर को संभालना है, हमारे साथियों को संभालना है, गरीब वर्कर को संभालना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं इन तमाम ही लोगों को आज ये मंच देख लो, ये मंच आप देख लो, ये बैठे हुए लोग, ये जो नजर आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे 100% हाजिरी हम लोगों को कभी नजर नहीं आती थी। मुकम्मल हाजिरी किसी की नजर नहीं आती थी, लेकिन आज सब लोग, सैयद मुस्लिम साहब सूरत में थे, वो सूरत से यहां पर चले आए, रफीक भूरिया साहब बाहर गए थे मीटिंग के लिए यहां पर डायरेक्ट पहुंचे, शकील शाह साहब, ऐसे कई साथी जो बाहर गए थे लेकिन इस मीटिंग के लिए वो डायरेक्ट मीटिंग के अंदर आए, उनको इस बात की एहसास था वो तमाम ही लोगों पर आप लोगों को कि ये मीटिंग बहुत फैसलापूर्ण मीटिंग है और इसके अंदर हमारी हाजिरी जरूरी है। और आप लोग आज ये साबित कर दिया आपने कि शेख रशीद साहब के साथ जिस तरीके से आप, जिस हिम्मत के साथ आप शेख रशीद साहब का साथ दिए, आज मुझको इस बात का, मेरे परिवार को एहसास हो गया कि आप आइंदा भी हमारा साथ देते रहोगे। ये बात का आज मुझे मुकम्मल तौर पर इत्मीनान हो गया कि आप लोग आइंदा भी हमारे अपने साथ रहेंगे। शेख रशीद साहब की यादें हमारे परिवार के साथ, हमारे साथियों के साथ बहुत यादें हैं। तमाम ही साथियों ने कहा, कई लोगों ने, हमारे कई मुखालफिन साथियों ने, दोस्तों ने शेख रशीद साहब हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में थे, तो शेख रशीद साहब ने मुझसे आईसीयू के अंदर कहा कि यार मैं जिंदा हूं तो कई लोगों को बहुत खराब लग रहा होगा शहर में। देखो उनकी एक सोच थी, वो आईसीयू के अंदर भी ये बात सोच रहे थे कि यार मैं, मेरा ऑपरेशन मेरे कामयाब हो गया, मैं जिंदा हूं, ये भी कई लोगों को खराब लग रहा हूं। ठीक है, हमारे मुखालफिन को अपनी निजी महफिलियों के अंदर जो बातें चल रही है उनको मुबारक हो, लेकिन शेख रशीद साहब का जो दबदबा इस शहर के अंदर, हमारे मुखालफिन, उनके पास जो शेख रशीद साहब का दबदबा था, शेख रशीद साहब अगर ऐसा मूंछ को हाथ लगा लेते थे देख के तो वो रात भर सोता नहीं था। अगर वो मुझ पर हाथ लगा दिए और मुस्कुरा दिए तो वो ये सोच में रहता था कि शेख रशीद साहब ने मुझ पर क्यों हाथ लगाया और क्यों मुस्कुराया। ये दबदबा शेख रशीद साहब का। कई लोग सोच रहे होंगे कि आप, मैदान खुला है, सोच रहे, सही बात है, सोचना भी चाहिए, उनको हक है क्योंकि हमारे मुखालिफ है, हमारे परिवार का हिस्सा होते तो ऐसा सोचते ही नहीं, उनको बिल्कुल मुकम्मल हक है, 100% हक है, लेकिन उस बाप की औलाद
हम बैठे हैं यहां पर कि शेख रशीद साहब के दबदबे को बरकरार रखने के लिए हम लोग मैदान में आए। दबदबे को बरकरार रखने के लिए मैदान में कूदे आज। अगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती, ताकत नहीं होती, अगर हमारे अंदर लड़ने की ताकत नहीं होती तो 4 तारीख की रात में हम फैसला कर लेते थे कि सियासत को बाय बाय कर देने का। लेकिन अल्लाह का बहुत करम है, शेख रशीद साहब ने जो हमको सिखाया है, जो हमको ट्रेनिंग दी है, जो हमारी तरबियत की है, उससे हमको बहुत हौसला है और इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे और जीतेंगे और ये शहर इस बात का गवाह रहेगा। ये बात आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। हम ना डरने वाले हैं, ना दबने वाले हैं और ना झुकने वाले। मैं तमाम ही मेरे साथियों से कहना चाहता हूं, तमाम ही हमारे दोस्तों से कहना चाहता हूं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हमारा साथी हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लड़ेंगे, जीतेंगे और इंशाअल्लाह ये शहर गवाह रहेगा कि हम वो हर इलेक्शन जीतेंगे जो ये शहर और आप लोग चाहते हो। अल्लाह की जात से मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। खाली लाजी उस दिन के लिए सियासत से दूर थे लेकिन शेख रशीद साहब को उन्होंने संभाला, इमरान ने संभाला, हमारे परिवार ने संभाला और शेख रशीद साहब को बहुत करीब से उन्होंने देखा। उनकी बीमारी के अंदर वो साथ रहे और खालिद हाजी ने उसी वक्त ये तय कर लिया था कि अब मैं सियासत से दूर नहीं रहूंगा और अब मैं मैदान में आऊंगा और खालिद हाजी मैदान के अंदर आज आ चुका है। न तो मुझको फिक्र थी कि अब मैं अकेला कैसे लड़ सकता हूं, लेकिन इंशाअल्लाह खालिद हाजी है, मेरा परिवार है, इमरान है, हम तमाम ही लोग शेख रशीद साहब की कमी को महसूस नहीं होने देंगे। आज मैं आप लोगों से वादा करता हूं। जलील चाचा है, अकील चाचा है, रफीक बड़प्पा है, हमारे चाचा के बच्चे, हमारा परिवार, हमारा खानदान और आप लोग तो है उससे बढ़ के, हमारे परिवार से बढ़ के आप लोग है। अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह शेख रशीद साहब की कमी को हम लोग महसूस होने नहीं देंगे शहर के अंदर। ये बात का मैं वादा करता हूं। चार तारीख को शाम में मैंने एक वीडियो देखा, 4 तारीख को शाम में मैंने एक वीडियो देखा नासिक में और वीडियो यह थी कि सुलेमानी चौक पर एक नालायक कमिश्नर को लड्डू में तोड़ा जा रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो मेरे परिवार पर, जो हमारी पार्टी के लोगों पर कहा कि इनको कुछ करते नहीं आता, मैंने सिखाया। शेख रशीद साहब का इंतकाल हो गया और अगर वो 15 दिन तक अगर शहर में रह जाता तो उसको मैं बताता था कि तू जो ये शहर के अंदर भेदभाव किया, जो गद्दारी की, जो चम्मचगिरी की, ये शहर को बर्बाद किया, उसको मैं जरूर बताता था कि ये हमको किसने सिखाया है और तू क्या बोल रहा है, ये मैं जरूर उनको सिखाता था कमिश्नर। लेकिन खैर चला गया, लेकिन ये शहर तो समझ गया कि कमिश्नर हो या कलेक्टर हो, हमसे दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। ये शहर भी समझ गया, प्रशासन भी समझ गया, हमारे मुखालिफ भी समझ गए कि हमसे दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है।
जो अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी है ना महाराष्ट्र हुकूमत का, मैं जुमरात के दिन 4 तारीख से पहले मैं मुंबई में था और एक लेटर मैंने सेक्रेटरी साहब को दिया कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो मैं ये समझू, लेटर में लिख कर दिया हूं, तो मैं ये समझूंगा कि भ्रष्टाचार के अंदर आप भी इन्वॉल्व हो, न तो कार्रवाई करके बताओ। और वही लेटर तो कमिश्नर की ट्रांसफर हो गई। कितने बड़े बड़े आशीर्वाद थे, मंत्री का आशीर्वाद, सरकार का आशीर्वाद। अरे आप तो कॉर्पोरेटर भी नहीं है, किसकी जीत हुई? जीत किसकी हुई? जीत तुम्हारी हुई, हमारी हुई, क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, हम ये शहर को बचाने निकले थे। जीत हमारी हुई, न मंत्री बचा सका, न उनको आशीर्वाद रखने वाले कोई नहीं बचा पाया। और ट्रांसफर कहां हुई? साइड पोस्टिंग पर। हिंदुस्तान जब अंग्रेजों के हाथ में था तो जब जो उनके खबरी रहते थे वो कौम से गद्दारी करते थे, देश से गद्दारी करते थे। और आज मैं खुले तौर पर यह बोलना चाहता हूं कि हमारे शहर के साथ, ये शहर के साथ, हमारी कौम के साथ, हमारे मुखालिफ में जो लीडरान है वो ये शहर से, इस कौम से गद्दारी कर रहे हैं और फिरका परस्त लीडरान का साथ दे रहे हैं और ये शहर को खोखला कर रहे हैं, ये साफ तौर पर मेरा इल्जाम है। और नहीं तो ये शेख आसिफ साबित करके बताएगा। 50 करोड़ के काम का टेंडर फ्लैश हुआ कल नगर उत्थान का, ये मीडिया के साथी बैठे हैं, 50 करोड़ रुपए का, जो 70% हुकूमत देती, 30% कॉरपोरेशन का हिस्सा होता, यानी आपका और हमारा पैसा शहर का। मुझे बताओ कि सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर कितनी आबादी है, 50 करोड़ में कितना मिलना चाहिए था? 50 करोड़ में 25 करोड़ कम से कम मिलना चाहिए था। ये कौम के गद्दारों ने अपने जाति मुफाद के लिए सिर्फ 7 करोड़ में कंप्रोमाइज कर लिए, 7 करोड़ में। और हमारा हिस्सा कितना गया? 15 करोड़। ये कौम के गद्दार लोग हैं और ये इनको बेनकाब करना ये शहर के अंदर जरूरी है। और मेरा आज चैलेंज है हमारे मुखालफिन को कि एक टेंडर तुम मैनेज करके बता दो, आप एक टेंडर तुम मैनेज करके बता दो। तुम जिस तरीके से, तुम्हारी नियत जो छिछड़े में लगी हुई है ना, वो हम होने नहीं देंगे। तुम्हारे जाति मुफाद के लिए तुम ये शहर का सौदा कर रहे, ये शहर को बेच रहे हो, कौन से गद्दारी कर रहे हो, फिरका परस्त लीडरान का चम्मचगिरी कर रहे हो, ये शहर के अंदर बेनकाब किया जाएगा। रियाज अली साहब, तुम्हारी भी छोटी मोटी नाराजगी दूर, 1 तारीख से तमाम ही मुकर्रर पूरा मटेरियल मैं देता हूं आपको, 1 जनवरी से 2024 से इनको बेनकाब करने के लिए शहर में कॉर्नर मीटिंग लेकर इनके बेनकाब इनको करने के लिए आपको और तमाम लोगों को निकलना पड़ेगा। कई कई मीटिंगों में मैं भी आऊंगा, तमाम ही लोग, हम लोग सब साथी टीम बनाकर निकलेंगे। और तुम बोलते हैं पुराने स्टाइल, तो पुराने स्टाइल में बिल्कुल हम साथ में आ कई मुकर्रर है, लेकिन इनको बेनकाब करना बहुत जरूरी है।
अंडरग्राउंड ड्रेनेज, भुयारी गटर का 500 करोड़ का टेंडर 610 करोड़ में जा रहा था। बताओ मुझको कि हमारे सिवा किसने आवाज उठाई क्या कि ये शहर नहीं देख रहा? अरे 500 करोड़ का टेंडर है, 10 करोड़ ज्यादा जाता तो ठीक है, 15 करोड़ ज्यादा जाएगा ठीक है, 110 करोड़ रुपया, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह का करम है, हमने शहर के अंदर साबित कर दिया, जो अधिकारी उनका साथ दे रहे थे, जो इसके अंदर ये सियासी लोग इन्वॉल्व थे, मुलविस थे, ये तो हमको हम पर हंस रहे थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अल्लाह का बहुत एहसान है कि लड़ाई लड़ी गई मणिपुर तक और हमने लाकर यह साबित कर दिया, और जिसको ये 610 करोड़ रुपए में टेंडर दे रहे थे वो टेंडर रिजेक्ट करना पड़ा और अभी तक इन्होंने केस दर्ज नहीं किया। रिजेक्ट हुआ, नया टेंडर निकला, नया टेंडर निकला, लेकिन ये नए कमिश्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, आज मुझे कोई लड़ाई नहीं, कोई वाद नहीं है, लेकिन तुम्हारे टेंडर में ये लिखा था कॉरपोरेशन के कि अगर बोगस पेपर टेंडर में आएंगे तो 400 बीसी का गुना दाखिल होगा, तो कब होगा इसका जवाब मांगने के लिए मैं मंगल के दिन जाने वाला हूं। कमिश्नर साहब का नया कमिश्नर साहब का भी अब इम्तिहान है और अपन तो बिल्कुल तैयार बैठते हैं झगड़ा लेने, झगड़ा लेने बिल्कुल तैयार है। ये शहर के अंदर कुछ गलत होगा तो हम शहर के साथ रहेंगे, ये चम्मच के साथ नहीं, ये चम्मचों के साथ नहीं। गवर्नमेंट मैं एकदम साफ तौर पर बोल रहा हूं। और ये शेख रशीद साहब ने सिखाया, शेख रशीद साहब की लड़ाई, शेख रशीद साहब ने भी लड़ाई शुरू की थी, उसको आगे हमने बढ़ाया, 100 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, सिर्फ 14 करोड़ रुपया मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के को मिला और 84 करोड़ रुपया दूसरे असेंबली हल्के को मिला। शेख रशीद साहब की भी यही लड़ाई थी, उसको ही हमने आगे बढ़ाया। कब तक भेदभाव होगा इस शहर में? मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, 700 से 800 करोड़ रुपए की कर्जदार ये कॉरपोरेशन हो चुकी और वो हमारे ऊपर बोझ आएगा और हमारे जेब से पैसा जाने वाला है। लड़ाई हम लोग लड़ रहे और लड़ाई लड़ते रहेगी। और शेख रशीद साहब को मेरे मुखालफिन, सियासी मुखालफिन जो हमारे हैं वो बोलते हैं शेख रशीद साहब बहुत अच्छे इंसान थे, शेख आसिफ बराबर नहीं, बोले यार बराबर नहीं है। बोले क्यों बराबर नहीं है? बोले यार वो छोड़ता नहीं है किसी को, वो कानूनी तौर पर बोले किसी को छोड़ता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, शेख रशीद साहब थोड़ा समझ बूझ के आगे बढ़ते थे, लेकिन मैं भी वही रास्ता अपनाऊंगा समझ बूझ वाला। लेकिन मैं आज आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं कभी भी लड़ाई गरीब वर्करों से नहीं लड़ा, कभी भी मैंने कारपोरेटरों के खिलाफ नहीं लड़ा, कभी भी मैंने आम इंसान के साथ मेरी लड़ाई नहीं हुई। मेरे जात से यह शहर के एक भी आम नागरिक को, आम शहरी को कभी भी नुकसान नहीं होगा और ना वर्करों को होगा। हां मेरी लड़ाई हमेशा किससे रही, जो कारपोरेशन को अपने बाप की जागीर समझ के पूरी खानदान के साथ लुटते उनकी उनसे लड़ाई है, वो लड़ाई रुकने वाली नहीं है, वो लड़ाई रुकने वाली नहीं है, वो लड़ाई मैं रोकूंगा भी नहीं। और शेख रशीद साहब मुझको हाथ लगाते थे, मैं भी सोच रहा हूं कि ऐसा क्या स्टेटमेंट एक वो आ जाए टाइटल कि वो भी समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ जरूर।
सोच रहा हूँ मैं भी गुजरात कोर्ट में अभी आएगा थोड़ा धीरे धीरे जरा ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा रुक के अच्छे वाला स्टाइल बहरहाल जरूर ये सब तो करना पड़ेगा। ये सब बिल्कुल मैं हमारा परिवार बिल्कुल करने की पूरी तैयारी है। कई लोगों ने पीछे इलेक्शनों में ऐलान करते थे कि हमने कश्तियां जलाकर आए थे, ऐलान मैंने सुना मौलाना बराबर ना, लेकिन सब भ्रष्टाचार में चले गए, सब मुलविस हो गए। कौम के साथ सिर्फ उन्होंने धोखेबाजी की, मजहब के साथ धोखेबाजी की, मजहब का इस्तेमाल किया, लेकिन असल में कश्तियां तो अब हमारे परिवार में जला दिए और उसके लिए अब हम मैदान में आ पा बराबर है। हर तरीके की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। वो क्या बोलते ना, शाम दान दंड भेद, हर चीज में हम लोग अब तैयार हैं, हर चीज में तैयार हैं। आप लोग बिल्कुल फिक्र करो मत, बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। शेख रशीद साहब की यादें, शेख रशीद साहब का हम लोग याद करेंगे कि ऐसे मौके पर शेख रशीद साहब क्या फैसला किया करते थे, ऐसे मौके जब ऐसे हालात आते तो क्या फैसला किया करते थे, कैसे अपने साथियों को छोड़कर मशवरा किया करते थे। वो तमाम ही शेख रशीद साहब की यादों को हम लोग आगे बढ़ाकर मशवरा करेंगे। दोस्तों और साथियों, शेख रशीद साहब के हर गुण मुझमें या मेरे परिवार के शख्स में आ जाएंगे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शेख रशीद साहब को अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियत से नवाजा, कुदरती बात शेख रशीद साहब के अंदर, लेकिन हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि शेख रशीद साहब की तरफ से हम लोग चले, ये वादा मैं करता हूं मेरे परिवार की तरफ से। अब जाहिर सी बात है, शेख रशीद साहब यहां बैठा करते थे, आप लोग बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। मैं कहां मिलूंगा, हमारा परिवार कहां मिलेगा, कहां पर काम होंगे, इस ऑफिस से शहर में शादी ब्याह मौत मैयत या कोई प्रोग्राम वगैरह रहेगा तो उतने ही वक्त के लिए हम लोग हटेंगे और सोने घर जाएंगे, बाकी का पूरा वक्त यहां पर बैठ के आप लोगों से मुलाकात की जाएंगी, आपके मसाइल सुने जाएंगे, मसाइल हल किए जाएंगे, चाहे वो कोई भी मसला हो इंशाल्लाह आपके मसले हल किए जाएंगे, ये वादा आज मैं करता हूं आप लोगों से। राष्ट्रवादी भवन के पहले माले पर एक ऑफिस का काम चल रहा है, उस ऑफिस का नाम शेख रशीद चैरिटेबल फाउंडेशन होगा, उस ऑफिस का नाम शेख रशीद चैरिटेबल फाउंडेशन होगा, और वहां पर मेडिकल लाइन से, सामाजिक तौर पर मेडिकल लाइन से मुकम्मल काम किया जाएगा, और आप लोगों से भी मुलाकात का वक्त रात में ईशा के बाद मैं वहां पर बैठूंगा और खालिद आजी और बाकी लोग यहां पर बैठ के कामकाज संभालेंगे। मैं रोजाना शहर में रहूंगा तो ईशा बाद वहां बैठकर जो भी मेडिकल लाइन से सामाजिक काम है आप लोगों को मुलाकात करना है तो दो घंटा कम से कम मैं वहां पर रोजाना दूंगा जब शहर में रहूंगा, ये बात का मैं वादा करता हूं। और मेडिकल लाइन से जो शहर में जरूरत है गरीबों को, उस ताल्लुक से हमारे कुछ प्रोग्राम है परिवार के साथियों के, वो प्रोग्राम आने वाले दिनों के अंदर हम लोग डिक्लेयर करेंगे ताकि आवाम को राहत मिले, फायदा पहुंचे, उसकी हमारी मुकम्मल तैयारी है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़कर शेख रशीद साहब के नाम से हम लोग आगे बढ़ेंगे।
कई मसाइल शहर के अंदर है, कई मसाइल है, राशन कार्ड का है, पीले राशन कार्ड का है, जो तरीके चल रही थी, लेकिन शेख रशीद साहब की बीमारी की वजह से हम लोग रुके हुए थे। जो 1 तारीख से तहरीक हम लोग शुरू करेंगे, कॉर्नर मीटिंगें जो शुरू करेंगे, उसमें वो तमाम ही मुद्दे लेकर हम लोग आवाम के बीच में जाएंगे और तहरीक खड़ा करेंगे। लेकिन अब ये शहर के प्रशासन को मेरा बोलना है, पुलिस डिपार्टमेंट से भी बोलना है, क्या आप ये मत समझिए कि अब शेख रशीद साहब नहीं है, अब इनको दबा दिया जाएगा, झूठे केस दर्ज कर दिए जाएंगे वर्करों पर। यह हरकतें कुछ दिनों से शुरू हुई, लेकिन वह पुलिस स्टेशन के ऑफिसरों ने मुझसे मुलाकात की और कहा कि गलती हुई थी, अब ऐसा नहीं होगा, उन्होंने वादा किया है। मैं शहर पुलिस से यह गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, हां अगर शेख आसिफ ने गुनाह किया है तो उसको जेल होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे वर्करों पर, बेगुनाह के ऊपर अगर आप जबरदस्ती किसी के बोलने पर खबरीगिरी अगर कोई लीडर करता होगा, क्योंकि जिंदगी खबरीगिरी में गई, हमको पता है, टीपी देना, वहां जाकर कंप्रोमाइज भी कराना, 10 तुम्हारा 10 मेरा, सब पता है हमको। मैं मुट्ठी खोल नहीं रहा हूं, धीरे धीरे खोलेंगे, लेकिन अगर किसी के बोलने के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर झूठा केस बनेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिपार्टमेंट से अपील है, पुलिस डिपार्टमेंट से, चाहे वो कोई भी पुलिस स्टेशन हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं इसके लिए नहीं बोलता हूं कि मेरा महाराष्ट्र हुकूमत में बहुत अच्छा है, मंत्रियों से बहुत अच्छा है, कभी नहीं। 500 करोड़ की जो बुहारी गटर की लड़ाई मैंने लड़ा हूं, खुदा गवाह है, मैंने कोई भी मंत्री की या तालुकात के बिना के ऊपर किसी पर प्रेशर नहीं डाला और ना उनको इन्वॉल्व किया, ये लड़ाई मैंने खुद लड़ा हूं। तो मैं इस बेस पे नहीं बोल रहा हूं कि मेरा बहुत अच्छा है, मैं मेरी जिम्मेदारी पर और काबिलियत पर और जितना कानून समझता हूं उस बुनियाद पर बोल रहा हूं। रास्ते बहुत है, गली से बंबई कहां जाता रास्ता, हाईकोर्ट कहां जाता, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली कमीशन, सब मुझे पता है, लेकिन हम वो रास्ते पे नहीं जाना चाहते। हम चाहते भाईचारा बरकरार रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं पे झूठा केस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कारपोरेशन के तमाम अधिकारी, एक चोर गया, बाकी चोर बचे हुए, जो उसने चोरी स्वीकार कर गया, बांधकाम डिपार्टमेंट में बहुत चोर है। और अभी कई डिपार्टमेंट के अंदर चोरी स्वीकार कर गया, एक एक अधिकारियों का मेरे पास नाम है। एक ने हमारे साथी को फोन किया कि शेख आसिफ बहुत टॉर्चर कर रहा है, मैं उसके नाम से रिजाइन कर रहा हूं। अबे खुदकशी कर ले, मेरे बाप का क्या जाने, डरता हूं क्या? बोले शेख आसिफ के नाम पर ट्रांसफर मांग लूंगा, इस्तीफा दे दूंगा पद से, धमकी दे रहे शेख आसिफ को। अबे जाकर तू खुदकुशी कर रहे, मुझको क्या करना है, मैं जो बात करता हूं कानून के मुताबिक करता हूं, कानून से हटके नहीं करता हूं। और याद रखना, कॉरपोरेशन के कर्मचारी, कोई मंत्री बचाने नहीं आएगा, अगर मंत्री को बचाना रहता तो गोसावी को बचा लेता। तुम क्या खेत की मूली हो, तुम कौन सी खेत की मूली हो? सबके मटेरियल मेरे पास है, मैं किसी से डरता नहीं, ना हमारे कार्यकर्ता डरने वाले हैं। और नए कमिश्नर साहब से भी कि हमारे साथ इंसाफ अगर नहीं हुआ, हमारे कारपोरेटर, साबिक कारपोरेटर, कार्यकर्ताओं के साथ और शहर के आवाम के साथ, कौम के साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ तो तुम्हारे खिलाफ भी ऐलान जंग किया जाएगा। हम डरने उड़ने वाले तुमसे भी नहीं है, तुम भी दूध के धोले उले नहीं है, एकदम साफ बात। और एफडीओ डिपार्टमेंट, मुझे मालूम है बहुत भ्रष्टाचार है वहां पर, मंत्री के बोलने पे कार्ड दे दे रहे 2 दिन में, इसके बोलने पे कार्ड दे दे रहे, सब मालूमात है।
जिस दिन हमारे कार्यकर्ता अपनी जात पे आ गए ना, तो अंदर कोण दिया जाएगा इन लोगों को। मैं एकदम साफ बात बोल रहा हूं, जितने हमारे प्रकरण पेंडिंग है वो भी निकालना पड़ेगा। हर चीज की हमारी तैयारी है उनसे भी लड़ने की। यह शहर का कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट से हमारी तैयारी है, लेकिन हम पहले इंसाफ मांग रहे हैं। पहले हमको इंसाफ दे दो, कोई लड़ाई नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, शहर के साथ, कौम के साथ, जानबूझ के कौम बोल रहा हूं, इंसाफ दे दो, कोई लड़ाई नहीं, लेकिन तुम्हारी चम्मचगिरी नहीं करेंगे। जो दूसरे लीडर जो चम्मचगिरी कर रहे वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि शेख रशीद साहब ने सिखाया ही नहीं, तो कैसे उस रास्ते पे जा सकते हैं हम। सोचते होंगे ताल्लुके का एक लीडर जेल में चला गया, उसको जेल में डाल दिए। मैं तो इंतजार में हूं, मेरा भी नंबर लगा दो, मेरे पास भी उधर के लीडरान के खिलाफ में बहुत भ्रष्टाचार के प्रूफ है, लेकिन एक रिस्पेक्ट में आदमी दर उधर करता, ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं कोई मजाक या मीडिया के सामने आप लोगों के सामने नहीं बोल रहा, बहुत प्रूफ है मेरे पास। लेकिन इंसान एक दर उधर करता, कितने लोग से लड़ेंगे। बहरहाल ये मेरी पूरी तकरीर आप लोग समझ जाओ कि हमारी सियासत शेख रशीद साहब के बताए हुए रास्ते पर ही चलने वाली है, उससे हम लोग भटकने वाले नहीं है। यह सिर्फ मुझे मैसेज आज देना है, बाकी बात तो बहुत करना है। मैंने 22 दिसंबर को जो जलसे का ऐलान किया था, सिर्फ बोला था एक स्क्रीन लगाऊंगा और सेक्स रैकेट का बोला था, कई लोग की नींद उड़ गई मजाक में, कई लीडर लोग तो सोई नहीं, परेशान है आज भी। मैंने मारा था अंधेरे में तीर, जाके सही लग गया। बहरहाल सब मटेरियल ये दो मोबाइल के अंदर है, अगर ये किसी ने मोबाइल में से छीन के चोरी भी कर लिया तो दूसरी तरफ रखा हूं मैं। अपनी अपनी इज्जत सब बचा के रखो, वो नौबत मत आन दो कि स्क्रीन लगाई जाए। यकीन जानवा दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, सबूत के साथ बोलता हूं, और हो सकता है हमारे सामने अगर मैंने सही मानों में स्क्रीन लगा दिया तो कई लोगों को तो सियासत से संन्यास लेना पड़ेगा, सियासत ही छोड़ देना पड़ेगा, बेइज्जती होंगी ना। जैसे जो एकदम दूध के धोए पारसा बनते हैं ना शहर में, पारसा ग्रेजुएट, हमारे जैसा कोई नहीं, सबकी काली टोपी अपने पास है, एकदम फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं एकदम साफ साफ आज इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग धड़ल्ले से जाकर शहर में अब लग जाओ, जो जैसा सवाल करेगा उसको वैसा जवाब दो, जैसा उनकी तैयारी है उसके अंदर हमारी तैयारी है। और कॉरपोरेशन का चुनाव हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, हर इलेक्शन की तैयारी हमारी अपने पास है। मैं एक आखिरी ऐलान कर रहा हूं कि सब लोग ने तजवीज रखे कि एक टेलर देना पड़ेगा जलसा लेकर शहर के अंदर, गलत फहमियां दूर करने के लिए। मैं ऐसा चाहता हूं कि अगर आपकी मर्जी रही तो हाथ उठा देना कि 12 जनवरी बरोज जुमा को एक बड़ा जलसा हम लोग लेने का, अगर आपकी मर्जी रही तो मैं ऐलान करता हूं, है मर्जी 12 जनवरी बरोज जुमा शाम में 7 से 10 आगरा रोड राष्ट्रवादी भवन के सामने दगड़ू ऑयल मिल में एक बहुत बड़ा जलसा लेने का मैं आज ऐलान करता हूं। और उसकी तैयारी के लिए 1 जनवरी से हम तमाम ही लोग, हर कार्यकर्ता, हर इच्छुक उम्मीदवार, हर साबिक कॉरपोरेटर, हर पार्टी का पदाधिकारी
हर तमाम साथी वर्कर आज से जुट जाइए और वो जलसे को तारीखी जलसा बनाकर हमारे मुखालिफिन को जवाब दे दो कि शेख असीज साहब की यादों के सारे हम इस शहर में विकास और डेवलप, और ये शहर के अंदर जो शेख असीज साहब का एक नारा था विकास और डेवलप, उनकी यादों के सारे हम लोग आगे बढ़ के ये शहर को बताने के लिए जलसा लेना है। जलसे का उन्वान जो भी रहेगा आप लोग को बता दिया जाएगा, लेकिन आज से अभी से हम लोगों को लगना है और जलसे को कामयाब बनाना है। और आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, हर तरीके से हमारा परिवार आपके साथ है। आप लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मुझे अगर गलती भी हो जाए तो छोटा समझ के माफ कर देना और मेरी छोटी छोटी गलतियों को दरगुजर करते हुए आप सलाह मशवरा देकर ताकि मैं मेरी गलती सुधार सकूं और आपको साथ देकर चल सकूं, इस उम्मीद के साथ मैं मेरी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।